सापुतारा दक्षिण गुजरात के डांग जिले का एकमात्र हिल स्टेशन है। सापुतारा एक पहाड़ी इलाका है जो बांस के घने जंगलों से घिरा हुआ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ के रास्ते सर्पाकार हैं, मानो जैसे कि कोई बड़ा सा सांप रेंगते हुए जा रहा हो। मोहन और उसकी फैमिली, जिसमें उसकी बेटी और पत्नी, बड़े भाई, भाभी और उनके बच्चे, और उसकी बहन रक्षा और उसका बेटा श्याम, सब मोहन के दोस्त भोगीलाल की बेटी की शादी में सापुतारा के नजदीक के किसी रिजॉर्ट में जा रहे थे। सापुतारा जाने के लिए बीच का कुछ रास्ता जंगल से होकर जाता है। रात में वहां सन्नाटा छा जाता है। वहां के लोग अंधेरे में जंगल से गुजरना मुनासिब नहीं समझते। भोगीलाल ने भी मोहन को पहले ही हिदायत दे रखी थी कि शाम होने तक यहां पहुंच जाना। मोहन और उसकी फैमिली जल्दी ही निकल गए थे। रिजॉर्ट जाते हुए रास्ते में एक झरना आया तो सब वहां रुक गए। वहीं पे चटाई बिछाकर सबने घर से लाया हुआ खाना खाया और थोड़ा आराम करने लगे। झरना देख बच्चों का वहां नहाने का मन हो गया। वक्त कहां गुजर गया, ध्यान ही नहीं रहा। अब सब वापस चल पड़े रिजॉर्ट की तरफ, पर देर हो चुकी थी तो उनको ना चाहते हुए भी अंधेरे में जंगल का सफर तय करना पड़ा। सब जल्द से जल्द वहां से रिजॉर्ट पहुंच जाना चाहते थे। रास्ता अब काफी सुनसान हो गया था। सब थके हुए और थोड़े डरे हुए थे। अंधेरा भी काफी था। मोहन अपने दोस्त को फोन करना चाहता था, पर जंगल की वजह से मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। बहुत वक्त ऐसे ही निकल गया, पर पता नहीं क्यों जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मोहन को चिंता होने लगी। उसने सबको बताया कि कोई ना कोई निशानी याद रखो, ताकि अगर वो उसी जगह पर वापस आए तो दूसरा रास्ता ढूंढ पाए। जहां वो अभी थे वहां रक्षा और उसके बेटे श्याम को एक डेरी दिखी। उन्होंने वो जहन में रख ली। करीब आधे घंटे बाद घूम फिरकर जब वहीं आ गए तो दोनों बोल पड़े कि हम वहीं वापस आ गए जहां से कुछ देर पहले निकले थे। वो देखो, वहां पे एक डेरी जैसा है। सबने उस ओर देखा पर किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। तो रक्षा और श्याम दोनों ने कहा कि वहीं तो है सामने। मोहन अब देखने के लिए नीचे उतरा, साथ में रक्षा और श्याम भी उतरे। उतरकर यहां वहां सब जगह देखा, पर कोई डेरी या ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। अंधेरा काफी था और बड़े बड़े पेड़ हवा की वजह से हिल रहे थे तो काफी डरावना लग रहा था। पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनकर जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई पूरे शरीर में। रक्षा को उसी सरसराहट के साथ अब किसी के कराहने की भी आवाज आ रही थी, पर उसे लगा शायद ये उसका वहम है, डर के मारे ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। डेरी न मिलने पर सब वापस आकर बैठ गए गाड़ी। पता नहीं क्यों पर रक्षा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर किसी और ने कुछ कहा नहीं तो उसे लगा कि उसका वहम ही होगा। पर हकीकत में सब लोग कुछ असहज महसूस कर रहे थे, पर सबने यही समझा शायद डर की वजह से ऐसा लग रहा है। रक्षा आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ मन में बोलना शुरू कर दी। पता नहीं कैसे पर आखिर उनकी गाड़ी सापुतारा के उस रिजॉर्ट की ओर बढ़ने लगी। सबने चैन की सांस ली कि आखिर जंगल से बाहर आ गए। करीब डेढ़ दो घंटे के सफर के बाद सब रिजॉर्ट पहुंच गए। भोगीलाल सबका इंतजार ही कर रहे थे। मोहन को देखते ही उन्होंने मोहन को जोर से गले लगा लिया और सबको वेलकम करते हुए उनके कमरे तक पहुंचाने आए और कहा, आप सब फ्रेश होकर आ जाइए, फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। चाय पीते पीते भोगीलाल ने मोहन से पूछा, तू तो कल शाम को आने वाला था, सुबह कैसे हो गई? मैंने तुझे फोन भी लगाया पर तेरा फोन लग ही नहीं रहा था, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तब मोहन ने पूरा वाकया बताया कि उनके साथ क्या हुआ। मोहन ने भोगीलाल से पूछा कि आखिर यह माजरा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। भोगीलाल ने जो सुना था वो बताते हुए कहा, करीब 10-15 साल पहले की बात है, यहां के एक आदिवासी कबीले की लड़की की शादी थी। शादी का मुहूर्त शाम का था। दूल्हे का गांव जंगल की दूसरी ओर था।
शादी हो जाने पर सब दूल्हा दुल्हन को लेकर जंगल के रास्ते वापस अपने गांव जा रहे थे। शादी के लाल जोड़े में सजी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूल्हा भी कुछ कम नहीं जंच रहा था। वो इतनी खूबसूरत दुल्हन पाकर बहुत खुश था और अपने नसीब पर इतरा रहा था। करीब आधे रास्ते में पहुंच ही गए थे कि एकदम से कुछ लुटेरे आ गए और उन सबको घेर लिया। सबने अपने पास जो भी गहने पैसे थे सब उनको दे दिए और कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो हमें जाने दो। लुटेरों को जो चाहिए था मिल गया था तो सबको छोड़ दिया, पर जाते जाते दुल्हन को भी अपने साथ उठाकर ले गए। उस रात उस दुल्हन का सब कुछ लुट गया। सारे हसीन सपने एक ही पल में बिखर गए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं अपनी जान दे दी। सब कहते हैं कि उसी लड़की की रूह वहां भटकती है। वो रात में गुजरने वालों को गुमराह करती है। भोगीलाल ने कहा, अब सब आराम कर लीजिए, थोड़ी देर में ही सारी विधियां शुरू हो जाएंगी। सब अपने अपने कमरों में चले गए। रक्षा को अब भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब तो उसे कराहने की आवाज के साथ साथ कभी कभी किसी के पास होने का भी एहसास हो रहा था। वो बिस्तर में लेटी पर उसको नींद नहीं आई। शाम तो बिस्तर में पड़ते ही सो गया। अचानक रक्षा को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वो बिस्तर पे बैठ गई और चारों ओर देखने लगी। कुछ भी तो नहीं था, पर सिसकने की आवाज अब काफी तेज आने लगी थी। उसने अब शाम को जगाया और पूछा कि क्या उसे भी कोई आवाज आ रही है। शाम ने कहा कि शायद कल रात के हादसे की वजह से तुम डर गई हो, सो जाओ, कुछ नहीं है यहां पे। लाख कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो वो उठकर खड़ी हुई और तैयार होने लगी। आईने में खुद को देखने लगी। तब अचानक उसे उसके साथ किसी और की भी धुंधली सी परछाई दिखी। उसने पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। उसने मोहन के रूम पर जाना ही ठीक समझा। वहां जाते जाते उसने बीच में शादी का मंडप सजते हुए देखा तो वहीं खिंचती चली गई। मंडप देखते हुए उसकी आंखों में अजीब से भाव उठ रहे थे। न जाने क्यों पर वो मंडप में जाकर बैठ गई। कभी कभी उसके चेहरे पर खुशी झलकती थी और कभी कभी दर्द के भाव उभरते थे। मोहन और उसकी वाइफ तैयार होकर बाहर आए तो उन्होंने रक्षा को मंडप पे बैठा हुआ देखा। वो उसके पास गए और पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? रक्षा ने उनकी तरफ ऐसे देखा कि जैसे उनको पहचानती ही नहीं। मोहन को बड़ा ताज्जुब हुआ रक्षा का ऐसा बर्ताव देखकर। उसने फिर से कहा, रक्षा तुम यहां क्यों बैठी हो? चलो बाहर आ जाओ, हमारे साथ बैठो। रक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन उसके पास गया और उसे पकड़कर झंझोड़ दिया और जोर से आवाज दी, रक्षा! ये देख रक्षा जोर से चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, मैं रक्षा नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे बैठूंगी। उसकी आवाज सुनकर सब ठिटक कर रह गए। धीरे धीरे सब वहां इकट्ठा हो गए। मोहन और भोगीलाल समझ गए थे उस लड़की की रूह ने रक्षा पे कब्जा कर लिया है। रक्षा बहुत गुस्से में खड़ी थी, उसके बाल खुल गए थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी हो गई थी और इधर उधर घूम रही थी। उसका यह रूप देखकर सब सुन्न हो गए थे। मोहन ने शाम को इशारा किया और दोनों पीछे से रक्षा को पकड़ने लगे। न जाने कहां से रक्षा में इतनी ताकत आई कि उसने दोनों को हवा में उछाल दी। अब किसी में हिम्मत नहीं थी उसके पास जाने की। अब वो सबको देख रही थी मानो किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े दो लोगों पर ठहर गई। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। उनको देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। वो उनके पास गई और घूरने लगी। दोनों के पसीने छूट रहे थे। उनके हाथ से सारा सामान गिर गया। जैसे ही वो भागने लगे एक को रक्षा ने दबोच लिया। एक कड़ाके की आवाज हुई और उसका सिर उसी के शरीर पर झूलने लगा। वो मर चुका था, उसकी आंखें फटी हुई थी। दूसरा आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था।
रक्षा ने नजर घुमाई और कहीं से एकदम एक टूटी हुई नोकीली लकड़ी आके सीधे उस आदमी के पेट में घुस गई। थोड़ी देर में वहीं वो खून से लथपथ ढेर हो गया। उनके साथ आया तीसरा आदमी डर के मारे झाड़ियों में छुप गया, पर रक्षा ने उसे भी झाड़ियों से बाहर खींचा, गोल गोल घुमाने के बाद उछाल दिया। वो सीधा जाकर दीवार से टकराया और उसका सिर ऐसे फट गया जैसे कि नारियल फोड़ा हो। सब सदमे में ही थे, उतने में रक्षा भी बेहोश होकर गिर पड़ी। सब समझ गए थे कि दुल्हन ने अपना इंतकाम ले लिया है। मोहन झट से दौड़ा और उसको हाथों में उठाकर झंझोड़ने लगा। थोड़ी देर में रक्षा ने आंखें खोली धीरे से। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। सबको अपनी ओर नजरें गढ़ाए देखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ यहां? मोहन ने कहा, कुछ नहीं, शायद तुम्हें कल रात से आराम नहीं मिला ना, इसलिए चक्कर खाकर गिर गई थी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डॉम को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।